हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आडिब्रेंस। सो गाइज, आपको तो मैंने अपडेट कर दिया था अपने चैनल पे कि 24 तारीख तक जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट अटेंडेंस भेजने की जो है टाइम है वो दी गई है। डिजिटी ने एक बार फिर से आप लोग को मौका दिया है। जिनका भी ये सब चीज़ नहीं अपलोड है या यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि एलिजिबिलिटी उनका क्रिएट नहीं किया गया है NCVT पोर्टल में कॉलेज के द्वारा, तो वो कृपया करके करवा लें। और इसमें 2020-21 सेशन के 1 ईयर के टेट के कैंडिडेट्स और 2020-22 के फर्स्ट ईयर के बच्चे, उसके बाद फिर 19-21 के सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स जितने भी हैं, ये सभी अपना चेक कर लें एक बार ट्रेनिंग प्रोफाइल। अगर वहाँ पे उनका एलिजिबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है, एलिजिबिलिटी यदि एलिजिबल नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे स्थिति में वो अपना कॉलेज के ऊपर जरूर संपर्क करें। कॉलेज वाले भी ध्यान दें इस बात का कि जो है लास्ट डेट जो है लास्ट आपका 24 तारीख तक दिया गया है। मेल में वो चीज़ आया हुआ है, जैसा यहाँ आप सामने भी देख पा रहे होंगे। दूसरी बात ये है कि जिनका भी रिजल्ट अभी रुका हुआ है या जिनका रिजल्ट नहीं आया है, कृपया एक बार सुनिश्चित कर लें कि प्रैक्टिकल और ED का जो मार्क्स है वो अपलोड कर दिया गया है ITI या फिर जो है ITI। एक बार कंफर्म कर ले इस चीज़ को और बच्चे भी अपना देख ले एक बार, क्योंकि जो है नोडल या गवर्नमेंट ITI यदि इन चीज़ों को अपलोड नहीं करती है तो फिर रिजल्ट जो है लटक जाएगा। तो 28 तारीख तक तो ऐसे बोला गया है सभी रेगुलर कैंडिडेट्स के भी जो है रिजल्ट दे दिए जाएंगे, बट कंडीशन यही है कि प्रैक्टिकल और ED के मार्क्स अपलोड कर दिए जाएँ तभी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के तो हो ही चुके रहते हैं, बट जैसे अभी इधर भी जो रिजल्ट आया हुआ था प्रमोटेड 20-22 सेशन का, तो उसमें फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स का, तो उनका जो है किन्हीं का दिखा रहा था कि CBT जो है प्रैक्टिकल मार्क्स नॉट अपलोडेड। तो इसका रीज़न यही है। तो आप लोग जो है एक बार संपर्क कीजिएगा कॉलेज में और कॉलेज में एक बार कन्फर्म हो लीजिएगा कि अपलोड किया गया नहीं। जिनका रिजल्ट में भी जैसे फर्स्ट ईयर 20-22 का प्रमोशन रिजल्ट जिनका आया हुआ है, उनका किन्हीं का रिजल्ट में भी आ रहा है ये चीज़ कि प्रैक्टिकल मार्क्स नॉट अपलोडेड, इसका मतलब यही है कि आपका अपलोड नहीं हुआ है, नोडल ने नहीं किया है। तो ये का कॉलेज आपको ये चीज़ को देखेगी। दूसरी बात कि 19-21 सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स का रिजल्ट आने वाला है 28 तारीख तक, उसका भी बोला गया है, बशर्ते कंडीशन यही है कि ED प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोड नोडल के द्वारा कर दिया गया होगा तभी। तो गाइज, ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देख लेनी है, एक तो एलिजिबिलिटी वाली और दूसरी जो है आप लोग का ये ED और प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोडेड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही आप लोग के जैसे ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट और अटेंडेंस वाला जो बात है, ये तब होगा जब आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उस केस के लिए है। और दूसरी चीज़ है कि जिनका रिजल्ट आना है उनका ED और प्रैक्टिकल अपलोडेड होना चाहिए, ठीक है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनका फॉर्मेटिव और अटेंडेंस अपलोड हो जाना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्रिएट हो जाना चाहिए, और जिनका रिजल्ट आना है उनका ED और प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड होना चाहिए। बस गाइज, ये दो अपडेट देना था। और ये 19-21 सेशन फिर 20-22 सेशन के लिए अप्लीकेबल है, अब 20-21 सेशन के लिए भी और 19-20 सेशन के लिए भी। तो गाइज, चलिए ये अपडेट आप लोग को देना था, इसे मैं कल दे चुका था आप लोगों को, फिर से वो रिमाइंडर के तौर पे दे रहा हूँ। तो गाइज, चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, और इस तरह की जानकारी पाने के लिए जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए।